मंगल लक्ष्मी में आप सभी देख रहे हैं कि लक्ष्मी अपनी सास को मां बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। अब जो उसने गलती की थी पीनट बटर वाली, उसके बाद वो बार बार माफी मांग रही है, लेकिन यहाँ गायत्री ने एक बड़ा फरमान सुना दिया है। उसने लक्ष्मी को कह दिया है कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, तुम मेरे रसोई में एक कदम भी नहीं रखोगी, आज से तुम्हारा रसोई में आना बंद। यहाँ पर लक्ष्मी जो है माफी मांगते रह जाती है, लेकिन लक्ष्मी को माफी नहीं मिलती। ऐसे में आप घर में देखेंगे कि सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है और ये पूजा जो है गायत्री के घर पे, जहाँ पर मंगल के घर वालों को भी बुलाया गया है। मंगल, मंगल की सास, अदिति, उसके बच्चे सब आए हैं इस पूजा में। और पूजा में आने के बाद यहाँ पर लक्ष्मी जो है आशीर्वाद लेती है मंगल का, क्योंकि इस बार बहन बनकर नहीं बल्कि जेठानी बनकर आई है यहाँ पर मंगल। यहाँ पर लक्ष्मी कहती है कि इससे बड़ा उपहार मेरे लिए क्या हो सकता है, जो मेरी बहन और जेठानी दोनों का आशीर्वाद मुझे मिल जाए। यहाँ पर सब लोग लक्ष्मी को बहुत ताने कस रहे हैं और कह रहे हैं कि सास जो है वो दिन भर जो है वो किचन में लगी हुई है, लेकिन लक्ष्मी उनके पास जाकर ये नहीं कह रही है कि मैं काम में हाथ बटा दूँ। यहाँ पर अब जो है कार्तिक लक्ष्मी का साथ देता है, जहाँ कहता है कि लक्ष्मी कामचोर है ही नहीं, ये पूरा डेकोरेशन लक्ष्मी ने किया है। लेकिन सब कहते हैं तो फिर उसने जाकर रसोई में क्यों नहीं हाथ बटाया है। अब यहाँ पर ये सच तो सिर्फ लक्ष्मी को मालूम है कि उसकी सास ने उसे आने से मना किया है रसोई में। ऐसे में लक्ष्मी को बहुत ताने कसे जाते हैं और अंत में आपको बताते चलिए कि सच्चाई भी सामने आएगी कि गायत्री ने ही मना किया है कि लक्ष्मी जो है रसोई घर में ना जाए। देखना दिलचस्प होता है कि क्या होगा आगे शो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही।